हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सिंथेसिस वाली रिएक्शंस। उनमें आज के लेक्चर का जो अपना फर्स्ट टॉपिक है वो है सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले आपको जो एक टर्म लिखी हुई है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये समझना है। ये होता है आपके पास RMGX, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें ये जो आपका R है इस पर तो होता है आपका माइनस, और बाकी का जो आपका MgX है इस पर क्या होता है आपका प्लस होता है। R क्या होगा, कोई आपका एल्किल ग्रुप होगा, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। X ये तो पता है आपको, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा। तो RMGX को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये कैसे बनता है, आपके पास देखो यदि एल्किल हैलाइड है RX, यदि आपने इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन Mg मेटल से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई है, ड्राई ईथर, तो आपके पास क्या बनता है RMGX, ये बन जाता है। इसको बोलते हैं GR बोले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें R पर क्या होगा माइनस, बाकी पार्ट पर क्या होगा आपका प्लस होगा। ये अपने को समझना है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास ऐसा होता CH3, CH2 और ये आपके पास BR है। यदि आपने इसकी रिएक्शन Mg से कराई है, एरो पर क्या होगा वही सेम ड्राई ईथर होगा, तो आपके पास क्या बनेगा CH3, CH2, यहाँ क्या बनेगा Mg, PR। इस टाइप से आपके कंपाउंड बनते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और ये जो कंपाउंड बना हुआ है इसका क्या नाम होगा आपका RMGX, इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाम क्या होगा इसका, मतलब होता है इथाइल, Mg का मतलब मैग्नीशियम और Br का मतलब ब्रोमाइड। तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये इसका नाम है, इसी को हम Gr बोलते हैं। इसका नाम 1, 2, तो 1 ब्रोमो और 2 का मतलब एथेन, ये तो इसका एक IPC नेम हुआ। कॉमन नेम में लास्ट में Bi-L आता है, इसका नाम इथाइल और Br का मतलब ब्रोमाइड, तो ये इसका कॉमन नेम हुआ। सुनो एक बार आप काम की बात, एग्जाम में जरूरी नहीं है आप दोनों नाम लिखो, दोनों में से आप एक नाम लिख सकते हो जौन सा आपको आता है, आता है तो ही लिखना, नहीं आता है तो आप छोड़ देना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यदि आपने गलत नाम लिख दिया ना तो काट देगा पक्का, इसीलिए जो आता है वो ढंग से लिखना। स्क्रीनशॉट लो यहाँ तक आप। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद लेड सोडियम अलॉय, लेड सोडियम अलॉय, स्क्रीनशॉट लो पहले यहां तक, उसके बाद फिर पढ़ते हैं इसको। लिख लिया यहां तक। अब देखो आपके पास क्या होगा, 4 times of PbN है, इसको बोलते हैं लेड सोडियम अलॉय। यदि आपने इसकी रिएक्शन ईथर से कराई है, अब देखो यदि आपने यहाँ पर इसको 4 times लिया है ना, तो ध्यान रखना है एक कंपाउंड बनता है यहाँ पे जिसे बोलते हैं TEL, टेट्रा इथाइल लेड। TEL की फुल फॉर्म क्या होती है, टेट्रा इथाइल लेड। E का मतलब इथाइल और T का मतलब टेट्रा, मतलब आपको 4 इथाइल को लेना है। इसीलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर C2H5 लूंगा, कितनी बार लूंगा 4 times लूंगा ये वाला। यहाँ पर फिर क्या होगा आपका Br। अब देखो अब क्या क्या बनेगा, C2H5 4 times है, PbB कितना आपके पास 4 times है, तो मैंने क्या किया इसमें से एक PbB लिया और ये बना आपके पास C2H5 का होल 4 और ये बन गया आपके पास PbB। इसको बोलते हैं TEL, टेट्रा इथाइल लेड। किसी को डाउट यहाँ तक। अब देखो आपके पास यहाँ से 4 Br हैं, यहाँ से आपके पास 4 Na हैं, तो क्या बनेगा ये
फोर टाइम्स ऑफ एन ए बी आर बनेगा। अब क्या क्या रिमेनिंग है, पी बी अपने पास एक आ चुका है, बचे कितने, तीन पी बी, तो तीन पी बी को यहाँ लिख दो आप। तो क्या बोलना है आपको, वेन इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद लेड सोडियम अलॉय इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर टेट्रा इथाइल लेड इज फॉर्म, ही अपने ध्यान रखना है। देखो यहाँ तक, यहाँ तक लिख लिया है तो नेक्स्ट अपने पास रिएक्शंस हैं, स्क्रीनशॉट लो पहले। तो अब तक हमने एल्किल हैलाइड की तीन रिएक्शन पढ़ लिए हैं, कौन कौन सी, एनएसआर रिएक्शंस मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शंस, थर्ड आपके पास था रिएक्शन विद मेटल, तो हम मेटल पढ़ रहे हैं ना, देखो आप एम जी मेटल था, सोडियम मेटल है। अब फोर्थ नंबर ही क्या है, रिडक्शन आपके पास, तो आपके पास जो फोर्थ नंबर की है जिसको मैं डी या फोर्थ बोल रहा हूँ वो आपकी है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब आप इस बात को अच्छे से जानते हो, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे आपके पास कोई आर एक्स गिवन है, यदि आपने यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ा है तो एक एच आप यहाँ लगाओगे, एक एच यहाँ लगाओगे, तो क्या बनेगा आपके पास, एक तो बनेगा आर एच प्लस एक क्या बनेगा एच एक्स, मतलब एल्किल हैलाइड के या एल्किल हैलाइड का रिडक्शन कराने पर आपके पास एल्केन बनती हैं। जैसे आपने बोला आपके पास सी एस थ्री है और ये आपके पास सी एल है, प्लस टू टाइम्स ऑफ आपने एच लिया हुआ है। अब देखो आप, इस दो एच का मतलब मेरे को हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो आपको हेट्रोबॉन्ड को तोड़ना है इस वाले को, एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पे, आपको एग्जाम में बस यही दिखाना है कि यहाँ पर टू एच है, आपको ऐसा नहीं लिखना आपको यहाँ पर भी लिख दिया आपने यहाँ पर, नहीं, ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कहाँ से बन रहे हैं। तो देखो ये तो क्या बना आपका सी एच फोर प्लस ये क्या बना आपके पास एच सी एल, तो एल्किल हैलाइड का रिडक्शन कराने पर एल्केन बनती हैं। लेकिन कैटलिस्ट कौन कौन से होते हैं वो चेक कर लेते हैं। यदि आपके पास एरो पर जेड एन एच सी एल कॉमा एन ए प्लस सी टू एच फाइव ओ एच ये मिल जाए, कॉमा एल आई ए एल एच फोर मिल जाए, कॉमा रेड फॉस्फोरस प्लस आई टू, यदि एरो पर आपके पास इनमें से कुछ भी मिलता है तो आप समझ जाना रिडक्शन कराना है, एल्किल हैलाइड को हटाना है, एल्केन को लाना है। तो ये आपके पास है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप कुछ भी ले लो, इसको चेंज भी कर दो आप, आपने बोल दिया आपके पास CH3CH2Cl है, दो H लिए आपने, एरो पर आपके पास रेड P प्लस I2 गिवन है, ये बॉन्ड टूटा आपका, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, और क्या बना आपका CH3CH3 प्लस HCl, एथेन बन गया, इसका नाम इथाइल क्लोराइड। तो ऐसे होता है जी ये वाला रिएक्शन, लिखो यहाँ तक। इसको रफ कर रहा हूं मैं, तो अपने पास एल्किल हैलाइड की चार टाइप की रिएक्शन खत्म हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब तक क्या था, एल्केन पर या सिंपल आपके पास एक हैलोजन कनेक्ट थी, अब पढ़ेंगे जब आपके पास दो हैलोजन कनेक्ट हों, तो नेक्स्ट अपने पास है डाई हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स मतलब आपके पास एक कार्बन पर दो हैलोजन होंगे या अलग अलग कार्बन पर आपके दो हैलोजन होंगे, तो वो होंगे आपके डाई हैलोजन डेरिवेटिव। पहली इसकी अपनी एडिंग है जेम डाई हैलाइड, जेम डाई
हैलाइड। पहली अपनी है जैम डाई हैलाइड, इसका मतलब समझना है थोड़ा कॉमन नेम है। यदि आपके पास एक ही कार्बन पर दो सेम हेलोजन आपकी कनेक्ट हैं, यदि आपके पास एक कार्बन होगा उस पर आपकी दो हेलोजन कनेक्ट हैं तो उसे बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। कैसे देखो आप, CH3CH Cl Cl, देखो आप एक ही कार्बन पर आपकी दो हेलोजन हैं तो उसको बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। यदि मैं इसका नामकरण संस्कार करूं तो वन पर आपके पास दो बार रिपीट है, 1.1 डाई क्लोरो और दो कार्बन का मतलब होता है एथेन। लेकिन यदि बात करते हैं कॉमन नेम की, तो ध्यान रखना है जैम डाई हैलाइड के नाम के लास्ट में आपको इडीन लगाना होता है। क्या लगाना होता है? इडीन। दो कार्बन का मतलब क्या होता है? इथाइल। तो ये बना इथाइल और लास्ट में क्या आएगा आपका इडीन, तो क्या बना है ये वाला, तो एथिल इडीन। ये अपने को ध्यान रखना है एथिल इडीन। उसके बाद Cl का नाम क्या होगा? क्लोराइड। ठीक है, तो लिखो यहाँ तक आप एक बार, एथिल इडीन क्लोराइड। तो ये जी है जैम डाई हैलाइड वाला आपका, लिखो यहाँ तक। अब एक और एग्जांपल करते हैं, CH3CH Cl Cl। यदि बात करूं मैं इसके नाम की, इसका नाम क्या क्या पूछ सकता है? एक CH3 आप यहां लगा दो, कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? चार। देख लो एक बार, 1 2 3 4 तो SH को हटा दें यहां से आप। अब देखो आप, एक ही कार्बन पर आपके दो दो ग्रुप हैं, तो पहले इसका आप आईपीसी नेम लिखो, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, लिखो इसका नाम। लिखा, काउंटिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 दो पर आपका दो बार Cl है तो ये होगा 2.2 डाई क्लोरो और तीन का मतलब क्या होता है? प्रोपेन। हालांकि आईपीएससी में ध्यान रखना है पहला जो आपका लेटर है हमेशा कैपिटल आता है, ये तो इसका आईपीएससी नेम। कॉमन नेम का मतलब CH3CH CH3 इस टाइप से आपका है, ये होता है आपका आइसोप्रोपाइल, मतलब कार्बन के दो साइड में कार्बन होने चाहिए आपके, कम से कम कार्बन के दो साइड में कार्बन है तो पक्का क्या होगा आपका, वो आइसो होगा। तो ये बनेगा आइसो। कार्बन कितने? 1 2 3 तीन का मतलब प्रोपाइल और लास्ट में क्या आएगा आपका? इडीन। तो आइसो प्रोपाइल इडीन क्लोराइड। तो ये आपका है जैम डाई हैलाइड। बस दो चीज ध्यान रखनी है, पहली एक ही कार्बन पर यदि आपकी दो हेलोजन है तब उसे बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। लास्ट में कॉमन नाम जब लिखते हैं तो लास्ट में इडीन लगता है, एथिलीडीन प्रोपिलीडीन ब्यूटिलीडीन इस टाइप से इसका नाम लिखते हैं। लिखो यहां तक। लिख लिया। अब अगला होगा बिसिनल डाई हैलाइड। जैसे इसका तो मैं बोल रहा हूँ ए पार्ट है, सेकंड पार्ट बोल रहा हूँ मैं बिसिनल डाई हैलाइड। बिसिनल डाई हैलाइड, बिसिनल डाई हैलाइड, इसका मतलब क्या होगा? दो हेलोजन आपकी होंगी लेकिन वो आपकी अलग अलग कार्बन पर होंगी। ध्यान रखना है दो हेलोजन तो आऊंगी होंगी आपकी लेकिन वो क्या होंगी? आपकी अलग अलग कार्बन पर होंगी, उसको बोले हम बिसिनल डाई हैलाइड। पहले एग्जांपल दे रहा हूं, नाम खुद को लिखना है आपको इसको, ये वाला। अब इसके नाम में लास्ट में क्या आ रहा है? इडीन। तो यहां पर लास्ट में क्या आएगा आपका? ईन आएगा लास्ट में, ईन।
अब इसका आप आईपीएस नेम लिखो प्लस कॉमन नेम लिखो, लिखो इसका नाम क्या होगा आईपीएससी में, 1.2 तो ये होगा 1.2 डाई क्लोरो एथीन, एथेन है इसका क्योंकि डॉलमेट, ये हो गया 1.2 डाई क्लोरो एथेन। लेकिन बात करूं मैं कॉमन नेम की तो 2 का मतलब होता है इथाइल और लास्ट में क्या होगा इन, तो क्या होना एथिलीन क्लोराइड। ये इसका नीचे वाला कॉमन नेम है जबकि ऊपर वाला इसका आईयूपीएसी नेम है। तो दो चीज इसमें ध्यान रखनी है, यदि आपके दो लगातार जो कार्बन है जिन्हें बोलते हैं एडजेसेंट कार्बन, मतलब लगातार होंगे, तो यदि आपके दो लगातार कार्बन पर दो हेलोजन हैं तो उसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। इनके नाम के लास्ट में हम इन लगाते हैं, जैसे आप ऐसा बोलते आपके पास ऐसा होता CL CL CH3, ये जो आपका क्या ये सही है, ये तो आपका ही बन गया। अपने को बनाना क्या है, अपने को बनाना है जी ये वाला CL और यहाँ आप H लगा दो एक बार। अब देखो आप CH3 CH, इसको ऊपर लगा रहा हूँ ये वाला। सबसे पहले नाम यहाँ देखा आपने बन, इसको मैं इधर लिखता हूँ ठीक है CH, ये 1, अब देखिएगा सही आपको 2 3। देखो आप 1 पे क्लोरो 2 पे क्लोरो तो क्या होगा 1.2 डाई क्लोरो, लॉन्ग चेन में कितने 3 कार्बन प्रोपेन। लेकिन यदि बात करूं मैं कॉमन नेम की तो CH3 CH, उसके बाद फिर आपका ये ग्रुप है तो क्या बनेगा आपका आइसो प्रोपाइलीन और क्लोराइड। तो आपके पास ये हो चुके हैं, दो पार्ट हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका, एक और पार्ट बचा हुआ है इसका, यहाँ कार्बन की बैलेंस कितनी है 1 2 3 2 करो इसको यहाँ पे आप। इसको रफ कर देता हूँ, अब थर्ड आपके पास है सी वाला पार्ट इसका α, इसको सी वाला पार्ट है α, ओमेगा हेलोजन डेरिवेटिव α, ओमेगा डाई हेलाइड। अब तक दो पढ़ चुके हैं हम, पहला जेम डाई हैलाइड मतलब एक ही कार्बन पर आपकी दो हेलोजन होंगी और कॉमन नेम में लास्ट में आपका एडीन होगा। दूसरा क्या था, बिसिनल डाई हैलाइड मतलब आपके पास अलग अलग हेलोजन अलग अलग कार्बन पर होंगी लेकिन कार्बन क्या होंगे आपके लगातार होंगे, लास्ट में क्या आता है इन आता है। अब बात करते हैं α, ओमेगा, यदि आपकी दो हेलोजन एक तो बिल्कुल फर्स्ट कार्बन पर है लॉन्ग चेन के और एक बिल्कुल आपकी लास्ट कार्बन पर है तब उसका नाम होता है आपका α, ओमेगा। कैसे देखो आप CH2 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 CL CL, देखो आप बिल्कुल फर्स्ट कार्बन पर है बिल्कुल लास्ट कार्बन पर है इसको बोलते हैं α, ओमेगा। अब यदि बात करूँ मैं IPSC की तो 1 2 3 4, वैसे नाम क्या होगा IPSC में 1.4 डाई क्लोरो उसके बाद ब्यूटेन, ये तो इसका IPSC में नेम हुआ। अब बात करूं मैं कॉमन नेम की तो α, ओमेगा डाई क्लोरो ब्यूटेन, इसके नाम में लास्ट में ऐसा कुछ नहीं है एडीन लीन वाला ये है, तो लिखो यहां तक।
तो इस टाइप से आपके पास तीन टाइप के डेरिवेटिव थे, कौन से? डाई हेलोजन डेरिवेटिव, जैम डाई हेलाइड, बिसिंगल डाई हेलाइड एंड अल्फा कोमा ओमेगा। तीनों में डिफरेंस क्या है? जैम डाई हेलाइड में एक ही कार्बन पर आपकी दो हेलोजन होंगी, बिसिंगल डाई हेलाइड में आपकी लगातार दो कार्बन पर आपकी हेलोजन होंगी, जबकि थर्ड आपकी थी अल्फा कोमा ओमेगा, इसमें आपकी फर्स्ट कार्बन पर होगी और आपकी लास्ट कार्बन पर होगी, ये आपका है अल्फा कोमा ओमेगा। अब नेक्स्ट अपने पास हेडिंग है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मेथड आपके पास है, प्रिपरेशन मेथड, इनको कैसे कैसे बनाते हैं हम वो अपने को पढ़ना है। और पहला पढ़ेंगे हम जैम डाई हेलाइड के लिए। पहला किसका है? जैम डाई हेलाइड। तो लिखो आप हेडिंग लगाओ प्रिपरेशन मेथड और पहली लिखो जैम डाई हेलाइड। लिख लिया। पहला पढ़ेंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, ये अपने को पढ़ना है। जैसे आपके पास देखो सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ आपके पास जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के बने, इसका नाम क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनेल। इसकी रिएक्शन यदि आपने PCl5 से करा दी, ध्यान से समझना इस बात को आप, देखो क्या होगा, ये फास्फोरस यहाँ से बॉन्ड ले लेगा इसे, इसमें से आपकी दो क्लोरीन आएंगी और यहाँ लगेंगी तो क्या बनेगा आपका ये H, ये कार्बन यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर और एक Cl आपकी यहाँ पर, दो Cl इसमें से कम हो चुकी हैं, ऑक्सीजन हट चुका, तो क्या बना आपका ये फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन और तीन Cl, तो क्या बना आपके पास है POCl3। मैंने कुछ नहीं किया, इस बॉन्ड को हटा दिया और दो बॉन्ड है ना इसमें, तो दो क्लोरीन लगा दिया मैंने, देखो आप, तो PO3Cl यहाँ पे POCl3 बन गया आपका। इसको चेंज कर दो आप, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ आपका H है, ये क्या बनेगा? एथेनेल। यदि वही सेम इसकी रिएक्शन आपने PCl5 से कराई है तो ये हटा दो यहाँ से आप, तो क्या बनेगा? CH3 H Cl Cl प्लस POCl3। और चेंज कर दो इसको आप, एसीटोन ले लो आप, अब तक तो क्या था? कीटोन था, एल्डिहाइड था, अब कीटोन ले लो आप, CH3 प्लस PCl5 ले लिया आपने यहाँ पर, तो क्या बनेगा आपका ये CH3 CH3 Cl प्लस PO Cl3। इन सबके नाम क्या होंगे? मैं एक भी नाम नहीं लिख रहा हूँ, इन सबके नाम लिखना है आपको। इसका क्या नाम होगा, यहाँ क्या नाम होगा, लिखो यहाँ तक आप। इसको लिख लिया। सेकंड पार्ट है फ्रॉम एल्काइन, सेकंड रिएक्शन है फ्रॉम एल्काइंस। तो देखो आप, यदि आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसका नाम क्या होता है बताओ पहले? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन या एथाइन इसका नाम होता है, जो कि कच्चे फलों को पकाने के काम आती है। वैसे तो एथिलीन आती है, लेकिन मार्केट में यदि एथिलीन नहीं है तो हम एसिटिलीन यूज कर सकते हैं। अब देखो कैसे बनेगा, पाई बॉन्ड यहाँ पर, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, तो यहाँ पर तो आएगा आपका Cl, यहाँ पर आपका आएगा H, तो क्या बनेगा ये पहले स्टेप में? देखो आप CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ आपका Cl, यहाँ पर आपका एक H2। अभी भी अपने पास देखो दो HCl है ना, अभी तो आपने एक HCl काम लिया है, वापस सेम, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका Cl, तो ये बनेगा Cl Cl सिंगल बॉन्ड CH3। एक बार रिपीट करता हूँ,
इस पाई बॉन्ड को आप यहाँ पर भी मूव करा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि दो ही कार्बन है, स्टेबल कार्बन कैटायन वाली कंडीशन इसमें है नहीं आपकी। तो दो पाई बॉन्ड तोड़ने हैं तो दो Cl यहाँ लगा दो, दो H यहाँ लगा दो आप। हाँ, यदि मैं इसको चेंज कर देता हूँ, कैसे, आपके पास ये होता CH3C, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड CH, वही सेम 2HCl होता। अब देखो आप, अब आप इसका मूवमेंट ऐसे नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा माइनस और यहाँ पर क्या आएगा प्लस। पहली कंडीशन ये कौन सा बना आपका, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। अब यदि मैं इसको ऐसा लिखता CH3, इसका मूवमेंट ऐसे कराऊँ मैं, तो यहाँ माइनस, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, ये कौन सा बन गया आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो अपने को पता है कार्बोकेटाइन में पहले 3 डिग्री स्टेबल होता है, फिर आपका 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री। इसका मतलब ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। अब सेम जहाँ प्लस है वहाँ आप दो Cl लगा दो, क्योंकि दो पाई बॉन्ड तोड़ने अपने को, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ HCl गिवन होगा, तो क्या होगा ये CH3, यहाँ Cl, यहाँ Cl, और ये बनेगा CH3। इसका नाम भी लिख चुके हैं, खुद को लिखने हैं आपको, लिखो यहाँ तक। ये रफ कर रहा हूं, अब क्या बनाना है अपने को, बिसिनल डाई हैलाइड, बिसिनल डाई हैलाइड। पहला आपके पास है फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। देखो यहाँ से कैसे बनाएंगे, आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी रिएक्शन यदि आपने CCl2 से कराई है और CCl4 की प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक इनर्ट सॉल्वेंट होता है जो कि नॉन पोलर होता है, तो वही सेम ये बॉन्ड टूटेगा क्लोरीन में, अपने पास दो क्लोरीन, क्या बनेगा एक Cl यहाँ पर, CH2 CH2 Cl Cl। तो देखो आपका बन गया ये एथिलीन क्लोराइड, कॉमन नेम क्या होगा, एथिलीन क्लोराइड, और वैसे नाम होगा इसका IPC में 1,2 डाई क्लोरो एथेन। लिखो यहां तक, थोरियम क्या लिखना है, व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद डाई हेलोजन या डाई क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 बिसिनल डाई हैलाइड्स इज ऑब्टेन, इसका नाम क्या होता है एथीन। लिखो लिख लिया है। अब सेकंड है फ्रॉम एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। अब देखो ना आप समझ गए होंगे यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, इन आ रहा है, इसका मतलब एथिलीन है, मतलब दो अलग अलग कार्बन पर क्या होंगे आपके एल्कोहल होंगे, तो क्या बनेगा आपका ये CH2OH। इसकी रिएक्शन यदि आपने PCl5 से करा दी 2 टाइम्स लिखें, तो क्या होगा यहाँ से OH हटेगा, OH, और क्या बनेगा Cl, तो CH2 Cl CH2 Cl प्लस 2H, यहाँ से 2 Cl आपने और निकाल दी, यहाँ से कितना बनेगा 2 टाइम्स ऑफ HCl। अब देखो आप क्या क्या बचा हुआ है, देखो क्लोरीन अपने पास 4 आ चुके हैं, अरे हाँ या ना,
देखो दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, चार हैं कितने, दस बचे कितने, छः, तो छः तो अपने पास सी एल बचे हैं, ऑक्सीजन कितनी आपके पास, दो, दो पी हैं तो क्या बनेगा, टू पी ओ सी एल थ्री। देख लो आप रिएक्शन को बैलेंस कर लो, यही आपका होगा, लिखो आप इसको, इसका नाम लिखना एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, इसका सेम वही एथिलीन क्लोराइड, लिखो यहां तक। अब थर्ड है, हम जेम डाई हैलाइड बना चुके हैं, बिसिनल बना चुके हैं, बचा कौन सा आपके पास, अल्फा कोमा ओमेगा, तो आपके पास है अल्फा कोमा ओमेगा, डाई हैलाइड कैसे बनेंगे वो अपने को देखना है। तो देखो आप एक बार, CH2 C डबल बॉन्ड ओ ए जी, आप याद करो ऐसा कुछ हम पढ़ चुके हैं, इसे क्या बोलते हैं ये आप ही बताओगे, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते थे, लेकिन यहाँ पे क्या दो है ना। अब देखो आप CH2 का होल फोर है ना वाला, इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड है। आप याद करो 10th क्लासेज आपने पढ़ा होगा, नायलॉन 6-6 किससे मिलकर बना होता है, तो उसमें था आपके पास हेक्सामेथिलीन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड था आपके पास। तो कुछ नहीं करना, एक CO2 आपके यहाँ पर है, इसको बाहर निकाल दो, एक CO2 आपके यहाँ पर है, तो आपने क्या किया, दो CO2 तो बाहर निकाल दी, प्लस Br2 कितने आपके पास, चार, दो Ag यहाँ से, दो Br यहाँ से, टू टाइम्स अप आपके पास Ag Br बाहर निकल गया। अब क्या क्या बचा देख लो आप, ये बॉन्ड पूरा ख़त्म हो गया आपका यहाँ से, तो क्या बचा आपके पास, CH2 एक Br यहाँ पर, CH2 एक Br यहाँ पर आपका, आपने कुछ नहीं किया, इस बॉन्ड को पूरे को कट कर दिया यहाँ से, दो CO2, दो Ag, दो Br, Br अपने पास चार हैं, तो आप क्या गया। अब देखो आप, फर्स्ट कार्बन पर भी Br है, लास्ट कार्बन पर भी आपका Br है, और मैंने क्या बोला था, फर्स्ट पर लास्ट पर हेलोजन है, उसका नाम होता है अल्फा कोमा ओमेगा, नामकरण संस्कार 1, 2, 3, 4, तो 1.4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन ही आपका बन गया। तो इस टाइप से आपके पास तीनों रिएक्शनें खत्म होती हैं। तो जेम डाई हैलाइड, बेसिनल डाई हैलाइड, अल्फा कोमा ओमेगा, डाई हैलाइड हमने पढ़ लिया है। आपको कोई भी डाउट आए तो आप वीडियो को देखें रिपीट करके लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।